नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज गुजरात में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण है। असंतुष्ट नेताओं की वजह से कल शपथ ग्रहण नहीं हो सका था। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पूरी कैबिनेट को बदलने की तैयारी में हैं। आज 27 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। गुजरात में सरकार का मुखिया बदलने के बाद पूरे मंत्रिमंडल को भी नए सिरे से बदलने की तैयारी दिख रही है। तो क्या जैसे विजय रूपाणी के इस्तीफे ने सबको चौंकाया, जैसे भूपेंद्र पटेल को राज्य की कमान सौंपे जाने का फैसला चौंकाने वाला था, अब मंत्रिमंडल को लेकर भी इसी तर्ज पर बदलाव होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में 100% नए चेहरों को जगह मिलेगी। आज 27 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। एक या दो महिलाओं को भी मंत्री पद मिल सकता है। साफ छवि वाले चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। बीजेपी को उम्मीद है कि पुराने मंत्रियों को नहीं लेने का प्रयोग 2022 के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन सरकार की छवि सुधारने की ये कवायद आसान भी नहीं थी। पार्टी में नए मंत्रिमंडल को लेकर चल रही खींचतान की वजह से ही मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण एक दिन के लिए टालना पड़ा। भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरे को लिए जाने की खबर के बाद हलचल और तेज हो गई थी। शोर शराबे के बीच शपथ ग्रहण के लिए लगाए गए पोस्टर हटा लिए गए। दरअसल विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुडासमा, आरसी फालदू और कौशिक पटेल के सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने से डिप्टी सीएम नितिन पटेल की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दोनों पाटीदार समुदाय से हैं। इस बीच आज तक से बातचीत में पूर्व सीएम ने साफ किया कि नए मुख्यमंत्री बनाने का ये सही वक्त था और पार्टी में किसी तरह का मन मुटाव नहीं है। नए मुख्यमंत्री नई ऊर्जा के साथ नई विकास के ऊंचाई सर करें, इसके लिए उनको भी समय मिलना चाहिए, तो ये राइट टाइम है। सर, आपने कल बताया था कि आप अब भी सीएम, एक कॉमन मैन। मैं पहले भी सीएम था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। सीएम का मतलब कॉमन मैन, और जब मैं सीएम था तभी भी मेरा वर्तन व्यवहार कॉमन मैन जैसा ही था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। विजय रूपाणी के घर भी विधायकों का आना जाना होता रहा। असंतुष्ट नेताओं को समझाने की कोशिश चलती रही। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के साथ पूरे मंत्रिमंडल को बदलकर ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि बदलाव बस नाम का नहीं होगा। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के ISI और अंडरवर्ल्ड के आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दुबई में है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी ओसामा का पिता ही इस मॉड्यूल का सरगना है। पाकिस्तान के शहर पर आतंकी खूनी साजिश के खेल का खुलासा होने के बाद इस नापाक नेटवर्क की एक एक कड़ी सामने आ रही है। आतंकी इस मॉड्यूल में ISI के साथ अंडरवर्ल्ड किस तरह देश के अलग अलग शहरों में साजिश का ताना बाना बुन रहा था, इसकी परतें खुलने लगी हैं। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और IB लगातार पूछताछ कर रही हैं। इस पूछताछ में ISI और अंडरवर्ल्ड के आतंकी मॉड्यूल का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूछताछ में पता चला है कि गिरफ्तार ओसामा का पिता टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ओसामा का पिता उसैदुर रहमान इस वक्त दुबई में है। उसैदुर रहमान दुबई में ही मदरसा चलाता है और ISI के सीधे संपर्क में है। ओसामा का चाचा उमैदुर रहमान भी इस टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। चाचा ने ही गिरफ्तार जिशान को आतंक के रास्ते पर आने के लिए भड़काया और पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा। चाचा उमैदुर रहमान प्रयागराज का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और UP ATS की छापेमारी में प्रयागराज से ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक और IED जब्त की गई थी। माना जा रहा है कि छापेमारी के दौरान ही ओसामा का चाचा फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ओसामा के मोबाइल चैट की भी पड़ताल कर रही है, जिससे इन खुलासों की पुष्टि हुई है। अब दिल्ली पुलिस दुबई में बैठे ओसामा के पिता और ISI के नए टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड उसैदुर रहमान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाएगी। साथ ही छापेमारी के दौरान प्रयागराज से फरार होने वाले उमैदुर रहमान के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की भी तैयारी है, ताकि वो देश छोड़कर न भाग जाए।
आज कोर्ट से इजाजत लेने के बाद जब्त की गई आईईडी एनएसजी की टीम को सौंपा जाएगा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियां एक और संदिग्ध की तलाश में जुटी हुई हैं। इसी शख्स ने बंगाली बोलने वाले 15 लोगों को पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा था। इस बीच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दो संदिग्धों इम्तियाज और मोहम्मद जमील को छोड़ दिया है। इनके खिलाफ कोई सबूत अभी तक जांच में नहीं मिले। स्पेशल सेल के मुताबिक ताहिर उनके पास नहीं है और ना ही उससे जुड़ी कोई जानकारी है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तालिबान राज के एक महीने में अफगानिस्तान की जनता ने जो नरक भोगा है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन ये एक महीना तालिबान के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। उसने सरकार भले ही बना ली, लेकिन सरकार चलाना उसके बस की बात नहीं है। एक महीने के एक्सपीरियंस से तालिबान को ये बात समझ जरूर आ चुकी है। बात जो तालिबान खुशी से फूला नहीं समा रहा था, एक महीने में उस तालिबान को आटे दाल का भाव समझ आ चुका है। अफगानिस्तान पर कब्जा करके तालिबान ने सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार चलाना कोई आतंकवादियों का खेल तो है नहीं। लिहाजा दुनिया को धमकी देने वाला तालिबान अब दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है। अफगानिस्तान पिछले 3-4 दशकों से युद्धग्रस्त देश रहा है। इसने विनाश और सभी तरह की परेशानियों को देखा है। अफगानिस्तान को बम और मिसाइलों से मारा गया है। अफगानिस्तान को विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद की जरूरत है। दुनिया देख रही है कि तालिबान ने अपनी आतंकी सरकार चलाने की जिद में एक महीने के अंदर अंदर अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी को कैसे नरक बना डाला है। अफगानिस्तान का सरकारी खजाना जीरो हो चुका है, जिससे तालिबानी कब्जे के बाद कई बैंकों पर ताला लग चुका है। जो बैंक खुले भी हैं, वहां देश के नागरिकों के लिए बैंक से सिर्फ $200 निकालने की सीमा तय कर दी है। बाजार खुले हैं, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों के पास कुछ खरीदने के पैसे तक नहीं बचे हैं। खबर तो ये भी है कि तालिबान ने अपने लड़ाकों को ही महीनों से तनख्वाह नहीं दी है। इसका रिएक्शन तो तालिबान सरकार की जबान पर भी हुआ है, जिसका मंत्री अमेरिका को ग्रेट कंट्री कहकर संबोधित कर रहा है। अमेरिका अमेरिका एक महान देश है, इसलिए उसे बहुत धैर्य रखना चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि अफगानिस्तान जैसे कमजोर और गरीब राष्ट्र की मदद करनी चाहिए। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हम आपसी रिश्ते चाहते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करते हैं कि अफगानों पर और दबाव ना डालें। एक महीने में ही तालिबान ने अफगानिस्तान के भविष्य की जो झलक पेश की है वो दुनिया को परेशान कर देने वाली है। लेकिन दुनिया के सामने धर्म संकट ये है कि वो तालिबान से दूरी बनाए या अफगान नागरिकों को भुखमरी से बचाए। अफगानिस्तान की जनता के लिए अमेरिका $64 मिलियन यानी करीब 470 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता देगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी अफगानिस्तान में मानवीय अभियान का समर्थन करने के लिए $20 मिलियन यानी करीब 150 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। इसके अलावा न्यूजीलैंड भी अफगानिस्तान की आर्थिक मदद के तौर पर $20 लाख यानी करीब 15 करोड़ रुपए देगा। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के बाकी देशों से भी अफगानिस्तान की जनता के लिए मदद का हाथ बढ़ाने की गुहार लगाई है। इस समय WFP का ध्यान कड़ाके की ठंड से पहले देश में अधिक से अधिक भोजन पहुंचाने पर है। हमने $200 मिलियन की अपील की है। हमें अब पैसे की जरूरत है ताकि हम खाना खरीद सकें और समय पर देश में खाना पहुंचा सकें। तालिबान ने एक महीने के अंदर ही हंसते खेलते अफगानिस्तान का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। उसके राज में गरीब अफगान नागरिकों को जीने से ज्यादा मरना आसान लग रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर चेताया है कि करीब 40 लाख अफगान नागरिक खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान में अनाज का स्टॉक सितंबर महीने के अंत तक खत्म हो जाएगा। अब भी अफगानिस्तान की 72% जनता गरीबी रेखा से नीचे है। ये आंकड़ा जल्द ही 97% हो जाएगा। मैं अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि अफगानिस्तान में हालात हर पल बदलते हैं। यह बेहतर या बदतर हो सकता है। हमें उम्मीद है कि नई सरकार और इसकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से हालात में सुधार होगा।
यह दयनीय स्थिति है। दुख इतना ज्यादा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। कीमतें रोज बढ़ती हैं। लोगों के पास पैसा और काम नहीं है। 10 लीटर तेल की कीमत 1400 है। अगर किसी को महीने में 400 AFN नहीं मिल रहा है तो उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे। अफगानिस्तान की जनता की परेशानियों को दूर करना दुनिया का कर्तव्य है, लेकिन दुनिया ये भी तय कर रही है कि अफगानिस्तान के लोगों की मदद से तालिबान को कोई मदद न मिले। इसलिए तालिबानी कब्जे के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अफगानिस्तान सरकार को मिलने वाले कर्ज पर रोक लगा दी। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की 9.4 अरब डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है और उसे जारी करने के मूड में नहीं है। वहीं टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने भी अपने 39 सदस्यों से तालिबानी संपत्तियों को फ्रीज करने के लिए कहा है। तालिबान ने उसे कुछ आर्थिक मदद का ऐलान जरूर किया है, लेकिन पाकिस्तान को तो जैसे सांप ही सूंघ गया है। वैसे भी पैसों के मामले में तालिबान और पाकिस्तान सरकार की हालत एक ही जैसी है, ठन ठन गोपाल, जिनके पास अपने नागरिकों को देने के लिए सिर्फ और सिर्फ धक्के हैं। अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंची अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक के सफर में पुलिस की सख्त सुरक्षा व्यवस्था नजर आई। शिल्पा शेट्टी ने जय माता दी का नारा भी लगाया। वैष्णो देवी मंदिर आने को लेकर शिल्पा ने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि माता ने उन्हें अरसे बाद बुलाया। जय माता दी। हम दर्शन करने के लिए आए हैं, कितनी खुशी आपको दर्शन करने के लिए? आपके बाद खुशी बुलावा आया मुझे बहुत समय के बाद। क्या कहेंगे जो बाकी सेलिब्रिटी मुंबई में वहाँ पे उनके क्या मैसेज देने जाते हैं? कुछ भी पूछते हैं अपना काम थोड़ा सा।